बहुत दूर एक धूप से सराबोर सवाना में एक शक्तिशाली शेर रहता था। ये सवाना उसकी दुनिया थी, जहां वह अपनी शान और ताकत का प्रदर्शन करता था। उसका नाम लियो था और वह अपने झुंड का राजा था। लियो का झुंड उसे बहुत मानता था और उसकी हर बात मानता था। लियो ताकतवर और बहादुर था। उसकी दहाड़ से जमीन हिल जाती थी। उसकी दहाड़ इतनी गूंजती थी कि दूर दूर तक के जानवर भी कांप उठते थे। उसके अयाल सुनहरी आग की तरह लहराते थे, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थे। उसकी अयाल की चमक से उसकी शान और भी बढ़ जाती थी। लियो के इलाके से ज्यादा दूर नहीं राइनो नाम का एक शानदार गैंडा रहता था। राइनो भी अपने इलाके का राजा था और उसकी उपस्थिति भी उतनी ही प्रभावशाली थी। राइनो एक सौम्य दानव था, लेकिन उसका आकार और ताकत अद्वितीय थे। वह शांतिपूर्ण ढंग से चरता था, लेकिन उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसके पास एक मोटी खाल थी जो उसे कवच की तरह सुरक्षित रखती थी, और उसके थूथन पर एक नुकीला सींग था। यह सींग उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी पहचान थी। लियो और राइनो दोनों ही घमंडी जीव थे। वे अपनी अपनी दुनिया के राजा थे और किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानते थे। उन्हें अपनी बात मनवाने की आदत थी। वे अपने इलाके में किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनके रास्ते इस तरह टकराने वाले हैं, जिससे उनकी ताकत और उनके दिल दोनों की परीक्षा होगी। यह टकराव न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का बल्कि उनके साहस और धैर्य का भी परीक्षण करेगा। एक बहुत ही गर्म गर्मी के दिन एक भयानक सूखे ने उस जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज की तपिश ने धरती को झुलसा दिया था और हरियाली का नामो निशान मिट गया था। लियो के झुंड और राइनो दोनों जिस पानी के गड्ढे पर निर्भर थे, वह सूखने लगा। पानी की कमी ने जानवरों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। जल्द ही वहां केवल कीचड़ भरे पानी का एक छोटा सा गड्ढा रह गया। यह गड्ढा अब जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया था। लियो अपने झुंड के साथ पानी के गड्ढे के पास पहुंचा। उनकी चाल में थकावट और प्यास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वे प्यासे थे और गर्मी में शिकार करते करते थक गए थे। उनकी आंखों में पानी की एक बूंद की तलाश की बेचैनी थी। राइनो पहले से ही वहां था और कीचड़ भरे पानी को सावधानी से पी रहा था। उसकी हर हरकत में सतर्कता और अधिकार की भावना थी। हटो रास्ते से, राइनो, लियो गर्जा। उसकी आवाज सूखे सवाना में गूंज उठी। उसकी गर्जना में अधिकार और चेतावनी दोनों थे। ये पानी मेरा है और मेरे झुंड का, लियो ने अपने झुंड की ओर देखते हुए कहा, जैसे कि उन्हें हिम्मत दे रहा हो। राइनो खर्राटे भरा, उसका विशाल सिर हिल गया। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। मैं पहले यहां आया था शेर, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। यहां मुश्किल से मेरे लिए ही काफी है। राइनो ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह जानता हो कि यह संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। शेर और गैंडे के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लियो ने अपनी पूंछ फटकारी, उसके पंजे बाहर निकल आए। उसका झुंड राइनो को घेरे हुए था। उनकी दहाड़ चेतावनी का एक समूह थी। राइनो अपने स्थान पर डटा रहा, उसका सींग नीचे था। उसने फिर से खर्राटे भरे, अपने खुरों से धूल उड़ाते हुए। उसके भार से जमीन कांप उठी। ये गतिरोध घंटों तक चलता रहा। सूरज बेरहमी से चमक रहा था और प्यास से दोनों जानवर कमजोर होते जा रहे थे। अब कुछ तो होना ही था। जैसे ही लग रहा था कि लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती, एक छोटी कमजोर आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। कृपया, एक छोटे से नेवले ने अपने बिल से झांकते हुए कहा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब पानी बांट सकते हैं। शेर और गैंडे ने नेवले की ओर देखा। वह बहुत छोटा जीव था, फिर भी उसकी बातों में समझदारी थी। लियो की आंखों में शर्म झलक उठी। राइनो ने अपना वजन इधर उधर किया, उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था। नेवला सही कह रहा है, लियो के झुंड की एक बुद्धिमान बूढ़ी शेरनी ने कहा। हमें पानी बांटने का कोई रास्ता खोजना होगा। अनिच्छा से लियो और राइनो एक समझौते पर सहमत हुए। उन्होंने बारी बारी से सिकुड़ते हुए गड्ढे से पानी पीने का फैसला किया। लियो और उसका झुंड पहले पिएंगे, उसके बाद राइनो। ये आसान नहीं था। पानी मुश्किल से ही काफी था और लियो और राइनो दोनों को ही अपना गर्व निगलना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी और धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगा। नेवला अपने बिल से देख रहा था, खुशी से चहचहा रहा था। उसने कुछ असाधारण देखा था। जंगल का राजा और बख्तरबंद दानव एक बड़े भले के लिए अपने मतभेदों को भुला रहे थे।
जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, लियो और राइनो ने पाया कि उनमें जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक समानताएं हैं। वे दोनों अपने परिवारों और सवाना में अपने घर की बहुत परवाह करते थे। एक शाम जब वे पानी के गड्ढे के पास आराम कर रहे थे तो लियो बोला, राइनो, उसने कहा, उसकी आवाज अब दहाड़ नहीं बल्कि गड़गड़ाहट थी, मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ, हम दोनों प्यास और डर से प्रेरित थे। राइनो ने धीरे से सिर हिलाया। मैं भी जिद्दी था शेर, उसने जवाब दिया, हमें एक दूसरे को सहन करना सीखना चाहिए, खासकर मुश्किल समय में। उस दिन से लियो और राइनो असंभावित दोस्त बन गए। उन्होंने शांतिपूर्वक पानी के गड्ढे को साझा किया और शिकार पर भी सहयोग करना शुरू कर दिया। लियो की गति और फुर्ती राइनो की ताकत के साथ मिलकर ने उन्हें एक दुर्जेय टीम बना दिया। सवाना के अन्य जानवर उनकी नई दोस्ती पर आश्चर्यचकित थे। यह सहिष्णुता और समझ की शक्ति का प्रमाण था। आखिरकार सूखा खत्म हो गया और सवाना फिर से खिल उठा, लेकिन लियो और राइनो के बीच का बंधन मजबूत रहा। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था जो उनके साथ हमेशा रहेगा। लियो और राइनो की कहानी पूरे सवाना और उससे आगे तक फैल गई। यह छोटे शावकों और बछड़ों को सुनाई जाने वाली कहानी बन गई, एक याद दिलाने वाली कहानी कि सबसे अलग जीव भी एक समान आधार पा सकते हैं। शेर और गैंडा, जो कभी संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता के प्रतीक थे, एकता और मजबूती के प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सहिष्णुता और समझ कमजोरी के संकेत नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया के निर्माण खंड है, और इसलिए लियो और राइनो की कहानी जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। लियो और राइनो की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली संदेश रखती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे दो अलग अलग प्राणी, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से विभाजित होती है, यह एक याद दिलाता है कि शांति और सद्भाव के लिए सहिष्णुता और समझ आवश्यक हैं। बच्चों का एक साथ खेलना, हंसना और एक दूसरे को गले लगाना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। लियो और राइनो की तरह हम सभी की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। शेर की गर्जना और गैंडे की ताकत हमें यह सिखाती है कि हर किसी में कुछ विशेष होता है। हमें अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। इन मतभेदों को हमें विभाजित करने देने के बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। शेर और गैंडे का एक साथ रहना इस बात का उदाहरण है कि कैसे हम अपने मतभेदों को गले लगाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। सहिष्णुता का अभ्यास करके हम खुद को नई दोस्ती, नए अनुभवों और एक समृद्ध, अधिक पूर्ण जीवन के लिए तैयार करते हैं। बच्चों का एक साथ हाथ पकड़ना और हंसना हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष एकता और समझ में है। आइए हम सब लियो और राइनो की तरह बनने का प्रयास करें। विभाजन की दीवारों के बजाय समझ के पुलों का निर्माण करें। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं।